नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम बादो। ये ताजा तस्वीरें आप धोरी बना की देख रहे हैं। ये पुल के नीचे की ताजा तस्वीरें हैं। 4 बजे हैं दिन के, किस तरीके से अव्यवस्थित रूप से वाहन खड़े हैं। अभी जो है नगर पालिका बनाने की मांग उठ रही है धोरी बना के लिए, लेकिन धोरी बना के एकमात्र रास्ता जो मेन बाजार में जा रहा है और ये जो पुल है, इस पुल से साइड रोड जो है सर्विस लाइन दोनों तरफ जा रही है, साथ ही पुल के नीचे से बाजार का मुख्य बाजार का रास्ता है और दूसरी ओर गुड़ा मालाणी की ओर रास्ता जा रहा है। गुड़ा मालाणी से बाजार में घुसते ही रास्ते की ताजा तस्वीरें आप देखिए किस कदर 4 बजे हैं दिन के और इस समय ट्रैफिक के ये हालात है। दुकानदार जगह जगह कब्जा पुल के नीचे कर रखा है, साथ ही वाहन किस तरीके से खड़े हैं। यहाँ कोई पुलिस का जवान खड़ा नहीं है, एक पुलिस के जवान इस वीडियो में दिख रहे हैं साइड में, लेकिन वो भी अपने हिसाब से खड़े हैं, शायद ड्यूटी पर नहीं है अथवा अपने आप को खड़ा समझकर ही ड्यूटी मान ली गई है। आप ताज़ा तस्वीरें देख रहे हैं धोरीबना के मुख्य चौराहे की और ब्रिज के नीचे की ताज़ा तस्वीरें, किस तरीके से ट्रैफिक जाम है। आए दिन यहाँ जो है सरकारी बस स्टैंड थोड़ा दूर है, लेकिन यहाँ ही बस स्टैंड बना दिया गया है। पुल के ऊपर से बसें गुजरती है, लेकिन नीचे जो है निजी बसों का भी यहीं बस स्टैंड है, टैक्सी है और मोटरसाइकिलों को अव्यवस्थित रूप से खड़ा कर दिया गया है। धोरीमना की ताज़ा तस्वीरें आपको बता रहे हैं मुख्य पुल के नीचे की। आसपास के कई गांवों के व्यापारी यहाँ आते हैं। धोरीमना बड़ा शहर है, नगर पालिका बनाने की मांग उठ रही है, स्थानीय निवासी और जनप्रतिनिधि मांग कर रहे हैं लगातार, लेकिन हालात देखिए धोरीमना कस्बे की, आंसू बह रहा है धोरीमने का ये स्टेशन। यहाँ ट्रैफिक में बीमार आदमी अस्पताल पास में ही है, लेकिन यहाँ एम्बुलेंस फंस सकती है, आदमी की जान सा सकती है। किसी प्रकार का कोई भी ट्रैफिक व्यवस्थित रूप से खड़ा नहीं है, ना कोई पुलिस की माकूल व्यवस्था है। यहाँ से मुश्किल से 200 मीटर दूरी पर थाना धोरीमना का बना हुआ है। यहाँ से सीधे बाजार में जाते हैं तो जो सरकारी कार्यालय है वो आते हैं, और साथ ही थाने के सामने SDM सहित कई कार्यालय और अस्पताल यहीं पास में है। मुख्य बाजार जो है यही सर्कल है जहाँ से ट्रैफिक सर्विस लाइन से भी जाता है और जो गुड़ा मालाणी की रोड है वो भी यहाँ से निकलती है। किस तरीके से अतिक्रमण का शिकार है धोरीमना का चौराया, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।